देखो, इस क्वेश्चन में एक थ्योरी पर देख लेते हैं। जानते हैं कि मोशंस का तीन फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन अगर मोशन अंडर ग्रेविटी किया जाए, बात कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू ऑलवेज जी हमें लेना पड़ता है। जैसे ये बराबर जब जी ले लेंगे, और इस केस में अगर मान लेते हैं कि ऊपर से कोई वस्तु को सिंपली ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप मतलब सिंपली या तो रिलीज कर दिया गया हो, उस केस में हम लोग यू इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू जी हो गया, और यू बराबर जीरो कब लिए, जब हम लोग उसको सिंपली ड्रॉप कर दिए तब ले लिए। ठीक है, अब इस केस में हमें हाइट मान लिया कि दिया हुआ है या तो कुछ भी है, और आपको से पूछ दिया गया टाइम कितना होगा, तो बताइए यहाँ से यहाँ आने का मतलब हाइट, यानी यहाँ से आने का जो हाइट होगा क्या कहलाएगा, तो आपका डिस्टेंस कहलाएगा या तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये होगा एस बराबर एच, यू पता है, ए पता है, मान लिया टी पूछा है, तो यू और एस और ए और टी किस में है, तो आपको इसमें भी है, लेकिन भी तो इसमें नहीं है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यू है, यू है, टी टी पूछा जा रहा था, ए है, टी पूछा जा रहा था, एस है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये वाला भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि भी नहीं है इसमें। तो जैसे हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे तो इसमें कैसे बना सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू हम यूज एस इसको में यूज करेंगे, यू कितना था, तो इसमें यू जीरो है, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, और प्लस में जब नीचे में ही आ रहे थे तो ए इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस में जी ले लेंगे, और टी का मतलब टी। तो जैसे आपको टी आपको पूछा जा रहा है मान लिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेंगे कि टू एच को ऊपर भेज देंगे, टू को ऊपर भेजेंगे तो एच आ जाएगा, अब बराबर में बचेगा जी टी स्क्वायर, मतलब यहाँ से टू एच बटे जी अब किसके बराबर, टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि टी इज इक्वल टू हमें आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, या तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला यहीं से देख देख पा रहे हैं कि ये जो लिख सकते थे इससे हम क्या एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यही आपको डिस्टेंस होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं अब, तो ये समझ में आ रहा है कि हम कब यूज करेंगे ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब हमारा यू कितना होगा, जीरो होगा। तो उस केस में अब क्वेश्चन कह रहा था कि कोई वाटर टैंक है, वो प्लेस कहाँ पर रखा गया है, तो बिल्डिंग के टॉप पे रखा गया है, जो कि जिसका बिल्डिंग का हाइट कितना है 19 मीटर। जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि अगर ये वाला बिल्डिंग अगर होता तो बिल्डिंग के टॉप पर आपको क्या रख दिया गया, टैंक, और टैंक में रख जब टैंक रख दिया गया है और इसका जो हाइट दिया गया है 19 मीटर लिया गया है। इस केस में कह रहा है कि वाटर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द टैंक वाज फाउंड टू रीच द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। कह रहा है कि जो वाटर क्या होता है ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब टैंकी भर जाएगा तो पानी क्या होगा, निकलेगा ही, ओवरफ्लो कर रहा था तो वो टैंक के ग्राउंड पे, जो यहाँ पर मतलब ग्राउंड पे पहुंच रहा है कितना सेकंड में, 2 सेकंड में पहुंच जाता है, नहीं टोटल टाइम कितना यहाँ पर 2 सेकंड। एक बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ये जो टैंक का हाइट होगा इसको यहाँ पर नेगलेक्ट करके चलेंगे, अगर जहाँ नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन पाएगी, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि टोटल हाइट जो होगी वो आपका 19 मीटर का ही होगा, और आपका टैंक दिया हुआ था, ओ सॉरी, ये टैंक का ही पूछा गया, यानी हम इसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसी को हमें क्या किया गया, पूछा गया है, तो इसको हम मान लेंगे एक्स, मान लेंगे एक्स। ठीक है, और आपको ये भी पता है यानी टोटल अब हाइट हम पूछते हैं कि आप एल्स बराबर बताओ, तो क्या लिखोगे कि 19 और प्लस एक्स लिख दोगे क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ से होगा कितना एक्स, यानी पूरा हो जाएगा 19 प्लस एक्स, और हमको टोटल टाइम कितना आया है 2 सेकेंड। तो अब हम लोग चलते हैं ये फॉर्मूला जो बोल रहे थे कि एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यूज कैसे कर पाएंगे, तो देखिए आपको एच इज इक्वल टू लिखना है, तो एच आपको कितना था 19 प्लस एक्स था, इज इक्वल टू हाफ लिख दोगे, जी का मान कितना लेना है 10, आपको पहले से मेंशन किया हुआ है, अब टी स्क्वायर आपको टी कितना वैल्यू आ चुका है, तो टी देखेंगे 2 सेकेंड, मतलब 2 का स्क्वायर, 1 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 20। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस में, तो 20 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना 1। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1 मीटर इसका हाइट होगा, दैट इज आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसका क्या है, किसी स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं,
देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। देखिए आप लोगों को एक थ्योरी है जिसे कहा जाएगा कि दूसरा सेकेंड में, या तो कहा जाएगा कि 2 सेकेंड में, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर जैसे बोल देंगे फोर्थ सेकेंड, इन 4 सेकेंड, या तो बोल देंगे इन 4 सेकेंड, ठीक है, दोनों में अंतर है। इन फोर्थ सेकेंड और इन 4 सेकेंड, दोनों में अंतर है, दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे दोनों में अंतर आएगा। अब ये है क्या, जैसे हम एक बात यहाँ से आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो टी इज इक्वल टू 0 से, आपको यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से यहाँ हो गया टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हो गया टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ गए तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मान लेते हैं आपको कहा जा रहा है 4 सेकेंड में, मतलब को यहाँ से आपको यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, 4 इन 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूछा जा रहा है। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि बस 4th सेकेंड में, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 4 सेकेंड, तो आपको मात्र इतना डिस्टेंस की बात कही जा रही है। जब आपको टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन आपको ये जब पूछा जाए सिर्फ उसी का, तो फॉर्मूला होता है एस एन टी एच, इसको बोलते हैं, यानी वही डिस्टेंस इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 2n-1। एन क्या है, कितना सेकेंड में पूछा गया था, तो आपको फोर्थ है तो एन बराबर कितना लेंगे, 4 ले लेंगे, तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे, तो इस फॉर्मूला में क्या है उसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, कहा जा रहा है कि इफ रनर, रनर मतलब को दौड़ने वाला होगा, वो कुछ स्पीड होगा उसको शुरू में, इनिशियल स्पीड उसका कुछ होगा, उसको साथ साथ यूनिफॉर्मली यहाँ पर छूट गया एक्सेलरेशन था, उसके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर पा रहे हैं। तो आपका ये एक्सेलरेशन भी वहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है। उस केस में कह रहा है कि सेकेंड सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में, यानी ये वाला में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसको दिया हुआ कितना, 200 सेंटीमीटर, याद रखना है, कब, सेकेंड सेकेंड में। और ये जो डिस्टेंस आपको 4th सेकेंड में, वो कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर। तब पूछा जा रहा है कि आपको यू बताइए और फिर एक्सेलरेशन यानी इनिशियल स्पीड, यू बताइए और फिर ए बताइए। तो चलते हैं हम लोग इस वाले पे, ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे फर्स्ट के लिए, एस एन टी एच यानी सेकेंड सेकेंड के लिए कितना है, 200 सेंटीमीटर, तो हम 200 लिख देंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर कुछ हमको नहीं पता, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही लाएंगे, ठीक है, हम यूनिट को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 200 हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता कोई फायदा होगा। चलिए एस हो गया, यू यू चाहिए हमको, यू आपको नहीं पता, आप यू लिख दो, प्लस हाफ, ए भी नहीं पता ए भी लिख दो, लेकिन हमको एन पता है कितना, सेकेंड सेकेंड, यानी एन इज इक्वल टू 2 लेंगे, और 2 लेंगे तो 2 2 4, 4-1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब यहाँ से हमको एक इक्वेशन आता है, ए प्लस 3/2a = 200, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी वजह से, इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं फोर्थ वाले में, तो फोर्थ में एस एन का कितना वैल्यू हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। अब यू आपको तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है क्या, एन पता है, एन कितना, 4 4 2 8 में से गया तो 7, तो यहाँ से आ जाएगा यू प्लस 7/2a = 220। विजिबल है, विजिबल है, लिख रहे हैं सब और नीचे जाएगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो आपको इस दोनों में क्या करना है, अब घटा दो, दो में से एक को घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपको यहाँ में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस सब हो जाएगा, तो आपको यू से यू कहा हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 7/2 है और यहाँ पे क्या गो है, 3 गो, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपको, 4/2 बचेगा, ए इज इक्वल टू 220 में से 200 घटाओ कितना बचेगा, 20, ये कटेगा कितने बार में, 2, यानी ए इज इक्वल टू आपको 10 कटेगा यहाँ से 10 बार में, तो 10 सेंटीमीटर/सेकेंड² एक आपको ए का वैल्यू आ गया। जैसे ए का वैल्यू आ गया, आप इसमें ले लो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आ जाएगा। जैसे देखिए अब यू इज इक्वल टू यू प्लस 7/2 × ए कितना आपका 10 ले लेंगे, यहाँ पर 220 कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो u प्लस 35 विजिबल है ना, और नीचे और हल्का,
ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यू इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर तो माइनस में, यानी 220 माइनस 35, इसका मतलब कितना आ जाएगा, घटा दीजिए तो 0 में से 5 5 जाएगा तो 5 दिया जाएगा 5, फिर आपको कितना बचेगा ये 1, 1 में से 3 जाएगा तो 8, और कितना बचेगा 1, यानी इतना आपको आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको एक आंसर और एक यहाँ पर आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर उसका पूछा हुआ बच्चे का 2 नंबर था। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन और है, हम इसको भी डील करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसका। ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बताएं दोनों एक ही है। जैसे बताए थे कि अगर यहाँ पर सिर्फ ड्रॉप किया जाए तो इक्वल टू कितना होगा, 0। जैसे 0 होगा, और ये अगर हाइट एच हो तो यहाँ से यहाँ का आने का टाइम जो देखे थे तो आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। इसी प्रकार से जब यहाँ से एच निकाला गया था तो हम देखे थे कि 1/2 a मतलब g और t स्क्वायर था। तो इस पर बनाइए, क्या पूछा जा रहा है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप मतलब u इजिक्वल टू 0, कहाँ से, तो टॉप ऑफ ए क्लिप से रीच कर रहा है ग्राउंड पे कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, यानी टी हमको पता है। ठीक है, फाइंड करना हाइट ऑफ द क्लिप, यानी एच निकालना था, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हाफ, जी का वैल्यू 10 और टी कितना था 5, 5 का स्क्वायर, तो ये कटेगा 5 बार में, तो कितना होगा 5 5 25, 25 5 125 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्लियर। चलिए